हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 6 का है, लेसन नंबर 1, वेयर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी फूड कहाँ से आते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो पॉइंट्स हमको बुक में गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंग्रेडिएंट्स। अब देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसको आप यूज करके आप फूड को बनाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूं, आपको राइस को बॉईल करना है ना, तो आप क्या क्या चीज यूज करोगे? एक वाटर यूज करोगे और राइस यूज करोगे, है ना। तो वो वाटर और वो राइस, ये दोनों क्या है आपके इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि ऐसे मटेरियल्स जिसको यूज करके आप अपना फूड बनाते हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फिर उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, यानी फूड के मटेरियल्स। अब जैसे फूड के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? आपके पल्सेस हो जाते हैं, राइस, वीट, है ना, जो एग्स वगैरह होते हैं, ये क्या है आपके फूड के टाइप्स है, है ना। इतने सारे आप फूड हम खाते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड मटेरियल्स है और उसके सोर्स कहाँ से, यानी वो कहाँ से आते हैं, है ना। जैसे कि हम राइस, पल्स, वीट, ये सब हम खाते हैं, तो ये आते कहाँ से? ये हमारे प्लांट सोर्स से, है ना। और जैसे हम एग या फिर मीट वगैरह लेते हैं, वो हमारे किस सोर्स से आते हैं? एनिमल सोर्स से आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम फूड खाते हैं, है ना, जैसे कि राइस हो गया, है ना, वीट हो गया, तो अगर इन दोनों की बात करें, राइस और वीट की, ये हमारा कौन सा सोर्स से आते हैं? प्लांट सोर्स का, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम एग की बात करें या फिर मीट की बात करें, तो ये दोनों हमारा किस सोर्स से आता है? एनिमल सोर्स से, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमने ये आइडेंटिफाई करना था कि जो फूड मटेरियल्स है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनके सोर्स क्या होते हैं। जैसे कि राइस वीट है वो प्लांट सोर्स से आते हैं, यानी पौधों से आते हैं, और जो एग मीट्स वगैरह जो है वो आपके एनिमल सोर्स से आते हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है स्प्राउटेड। अब देखो स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कोई बीज है, जैसे हम काले चने की बात करें, उसके अंदर अगर वाटर में छोड़ दे उसको एक दिन रात को, और सुबह उसको देखते हैं कि उसके अंदर से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर टाइप बाहर आता है ना, तो वो जो व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर बाहर आता है उसी को हम स्प्राउटेड कहते हैं, ठीक है। द व्हाइट स्ट्रक्चर आउट फ्रॉम द एनी सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउटेड, ठीक है। तो स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी बीज में से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर अगर बाहर आए, ग्रो हो, तो उसको हम कहते हैं स्प्राउटेड, ठीक है। फोर्थ है हमारा नेक्टर। अब देखो नेक्टर क्या होता है, जो हमारी बीज वगैरह होती है, मधुमक्खियां वगैरह होती है, वो क्या करती है? फ्लावर्स से जाके उनका रस चूसती है, है ना, तो क्या करती है, वो स्वीट जूस होते हैं वो सारे, तो स्वीट जूस को वो एक जगह स्टोर करती है, ठीक है। उन्हीं स्वीट जूस को जो वो फ्लावर से खींचती हैं, उस स्वीट जूस को हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। हम नेक्टर को स्वीट जूस भी कह सकते हैं, ठीक है, हम नेक्टर को स्वीट जूस भी कह सकते हैं। जो कहां से आते हैं, अगर हम इसकी सोर्स की बात करें, तो कहां से आते हैं? वो फ्लावर से आते हैं, ठीक है। और लाता कौन है इन्हें? तो कौन लेके आते हैं? बीज लेके आते, यानी मधुमक्खियां लेके आती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हर्बीवोरस। अब देखो हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस एक कैटेगरी है। ये जो पॉइंट्स है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये तीन एक कैटेगरी है जिसमें एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को इसमें डिवाइड किया गया। कि हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है कि ऐसे, मतलब ह्यूमन हो या एनिमल हो, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते, ठीक है, यानी जो सिर्फ प्लांट से अपना फूड खाते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है, उसको हम हर्बीवोरस की कैटेगरी में डालते हैं। अगर कोई एनिमल है जो सिर्फ प्लांट खाता है, ठीक है, जैसे हम हिरन की बात करें, हिरन सिर्फ घास खाती है, तो उसका मतलब वो हर्बीवोरस, ठीक है। ऐसी कार्निवोरस की बात करें, तो कार्निवोरस क्या होता है? जो सिर्फ किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड हो, ठीक है, कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड हो, तो उसको हम कार्निवोरस कहते हैं। जैसे कि शेर, शेर क्या करता है? किसी दूसरे जानवर से जाके उसका मांस खाता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? कार्निवोरस की कैटेगरी, ठीक है। तो हम इसको सिंपली वर्ड में भी कह सकते हैं कि ऐसे
ह्यूमंस या एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, अब जो लास्ट है हमारा ओमनीवोरस। अब देखो ओमनीवोरस क्या होता है कि कुछ ऐसे हम जैसे ह्यूमन ही है, कुछ हमारे ह्यूमन क्या करते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं और प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं। मतलब कि वो जो सोर्स है वो प्लांट सोर्स को भी यूज करते हैं और एनिमल सोर्स को भी यूज करते हैं, उसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्लांट भी खाते हैं और मीट को भी खाते हैं, तो उस कैटेगरी को हम ओमनीवोरस की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे 6 क्लास के फर्स्ट लेसन की। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, स्प्रॉटेड, नेक्टर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया, और इन पॉइंट्स पर डिस्कस करने के बाद जो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है क्लास 6 का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।